बैक टू आवर YouTube चैनल. आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से छोटे से कुकिंग ब्लॉग में. आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आप बिल्कुल चुटकियों में बना सकते हैं, क्योंकि वो मुझे खुद भी बहुत ईजी लगती है. ऐसा तो मैं कोई कुकिंग मतलब कुकिंग की शौकीन नहीं हूँ और मुझे ज़्यादा खाना बनाना पसंद नहीं है. स्टिल मैंने सोचा कि आज मैं एक डिफरेंट डिश बना रही हूँ तो क्यों ना आपसे शेयर करूँ. वैसे तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ. आज मैं बना रही हूँ इडली, वो भी सूजी वाली, बिल्कुल 5 से 10 मिनट में. अदरवाइज चावल वाली जो हम इडली बनाते हैं बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं शॉर्टकट मार रही हूँ वो शॉर्टकट मैं आपको भी बताऊँ. तो अभी इडली के लिए मैंने लिया है सूजी प्लस दही, और सूजी को आप हल्का रोस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे आप पहले ग्राइंड कर लेना. ये मैंने पतली सूजी लिया था, 1 कप सूजी और 1/2 कप दही, और मैंने इसे 1 घंटा पहले फूलने के लिए रख दिया था. अभी आप देखेंगे इसमें प्रॉपर खमीर उठ चुका है, स्टिल थोड़ी सी फ्लफी बने तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इनो, और इस इनो को अभी मैं प्रॉपर तरीके से मिक्सअप करती हूँ. इनो के साथ साथ मैंने अभी इसमें डाला है थोड़ा सा नमक. आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी सब्जियां ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी बनाना है, इसलिए मैंने सिर्फ दही, सूजी, नमक और थोड़ा सा इनो डाला है. आप इसमें कैप्सिकम, कैरेट, ऑरेंज वाली जो आती है अभी गर्मियों में, वो सब डाल सकते हैं, और चाहे तो आप कड़ी पत्ता और राई का इसमें छोंक भी लगा सकते हैं, बट मैं सिंपल प्लेन बना रही हूँ अभी. और इडली के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ इसमें मूंगफली की चटनी, बिकॉज मुझे इजी लगती है बनानी. आप चाहे तो कोकोनट बनाएं या फिर आप पतली पतली आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, जिसे आप एज अ सांभर यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर स्टाइल से ही बनाएं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट और काम चलाओ मेथड है. ये मेरी यहाँ पे मूंगफली भी जो है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं. आप चाहे तो इसका छिलका उतार सकते हैं, बट मैं इसे विद छिलका ही ग्राइंड कर दूँगी. और ये है हमारा इडली का बैटर. इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था. इसकी कंसिस्टेंसी आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, हल्का सा ऐसा बैटर होना चाहिए. और चलिए अभी इसे हम इडली के बर्तन में लगाते हैं और इनको ग्राइंड करते हैं. मैंने इडली के बर्तन ले लिए हैं, इसमें मैंने ग्रीसिंग कर दी है घी से. आप चाहे तो ऑयल से या ऑलिव ऑयल से, जैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको घी से ग्रीस किया. अब मैं इस बैटर को इसमें पोर करती हूँ और सीधा बेकिंग के लिए रखेंगे. मैंने बैटर को लगा दिया, थोड़ा सा मैस हो गया तो इसे इग्नोर करें. और यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, और अभी थोड़ा सा पानी लिया है जो इतना कि इसको भाप में इवेपोरेट हो जाए. बस पानी हमें थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा आई थिंक सो, क्योंकि मैंने ज़्यादा ले लिया है. पानी आप अपने बैटर के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी और पानी, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेंटेन करके देखिएगा. और बाकी आप अगर 2-3 बार बनाएंगे तो खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक मी. जोक सपाट. और अभी मेरे पास मतलब इसका पूरा सेटअप नहीं है इडली का, मैं इसको बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में. तो यहाँ पे ये इडली बनेंगी, इनको हम रख देते हैं, कवर अप कर देते हैं और इसको हम रख देंगे माइक्रोवेव में. माइक्रोवेव में रखने के बाद हम इसको 3 मिनट का टाइमर लगा देंगे, तब तक हम बनाएंगे अपनी चटनी. चटनी के लिए लिया है मैंने पीनट्स, इसको आप छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं बट उसमें काफ़ी टाइम लगता है तो मैं साथ ही ग्राइंड कर दूंगी. मैंने लिए 3 ग्रीन चिली, हरी मिर्चें, आप चाहे तो लाल भी डाल सकते हैं बट लाल हम खाते नहीं इसलिए मैं डाल नहीं रही हूँ. और इसमें जाएगी अब दही, तो आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना लेना. मैं अभी सिर्फ 2 जनों के लिए बना रही हूँ. तो ये हो गया हमारा. इसमें मैं नमक वगैरह बाद में डालूंगी, पहले मैं इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेती हूँ. ये अब मैं डाल रही हूँ नमक. इसमें आप काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट मुझे, मैंने जैसा कि बताया, शॉर्टकट एंड सिंपल रेसिपी बनानी है तो ये मेरा शॉर्टकट और सिंपल है, क्योंकि इसमें नमक और हरी मिर्च हो जाएगी तो वो टेस्ट दे देगी. गाइस देखो ये इडली बन चुकी है. मैंने 3 मिनट का टाइमर लगाया था, एक्चुअली मैं पहले चेक कर चुकी हूँ. आप ऐसे चाकू लगा के चेक कर सकते हो, अगर चाकू पे कुछ भी नहीं आ रहा है सेंटर पॉइंट पे, इट मींस कि ये पक चुकी है. तो अभी हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे और तब तक के लिए हम चटनी में छोंक लगा लेंगे. आप देख सकते हैं सारी इडलियाँ पक चुकी हैं और इसको अभी हम निकाल देंगे, बहुत गर्म है.
ये हमारी चटनी बन चुकी है। चटनी को अब हमने इसमें पोर कर दिया। अगर आपको लोगों को थोड़ी गाढ़ी खानी है तो आप दही कम डालना, मुझे पतली पतली अच्छी लगती है बिकॉज मैं इसके साथ कोई सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है। सो गाइस अभी हम लगाएंगे चटनी में तड़का, उसके लिए मैंने लगता ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया है और मेरे पास अभी वो नहीं है छोक वाला जो होता है, मुझे कड़ी पत्ता जब ये करता है ना बहुत डर लगता है। अभी हम लगा देंगे इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए चटनी में तड़का। तो जैसे ही तड़का लग चुका है, इडलियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं, अभी इन्हें निकालते हैं। गाइस ये थी बहुत ही इजी सी शॉर्टकट वाली रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और एक बार ट्राई करें। किस किस ने ट्राई किया वो कमेंट में मेंशन करना जब भी आप ट्राई करते हैं। और चलिए अब मैं इंजॉय करती हूँ, आप भी अपना लंच इंजॉय करें, ट्राई करें कि आप हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें।